हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोगों ने एससी वर्मा के भी चैप्टर 32 इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। एससी वर्मा जो कि वैसे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है जो कि आई आई नीट की तैयारी कर रहे हैं या जिनका फर्दर फ्यूचर में प्लानिंग है, तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3.11 ये क्वेश्चन कह रहा है आई स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। चलिए ठीक है, एक बैटरी जिसका ईएमएफ आपको दिया हुआ है दिस इज 8 वोल्ट ओके, और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको नॉर्मली स्मॉल आर से डिनोट करते हैं दिस इज 0.5 ओम ठीक है। इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ 120 वोल्ट डीसी सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। इस बैटरी को, ये जो बैटरी है जिसका ईएमएफ 8 वोल्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, इसको स्टूडेंट चार्ज कर रहे हैं एक डीसी सप्लाई से 120 वोल्ट डीसी सप्लाई से यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर, और इसके साथ एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस चलिए मान लेते हैं कैपिटल आर, और इसका रेजिस्टेंस जो है कितना है 15.5 ओम सीरीज में कनेक्टेड है 15.5 ओम लाइक दिस। क्लियर है स्टूडेंट, क्या होगा बैटरी चार्ज होने लगेगा। ध्यान दीजिएगा व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्ज, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब भी किसी बैटरी को चार्ज करना होता है, बैटरी आपका ये है जिसका ये में 8 वोल्ट 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब भी बैटरी को चार्ज करना होता है तो उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, टर्मिनल वोल्टेज मतलब मान लिया अगर ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट अगर आपका क्यू है, तो पी और क्यू के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वही बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो जब भी किसी बैटरी को चार्ज करना होता है तो हमेशा इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है उससे हायर वोल्टेज के सोर्स से हम उसको कनेक्ट करते हैं, वन थिंग। दूसरा, हमेशा ध्यान दीजिए कि कैसे पहचानेंगे कि बैटरी चार्जिंग कंडीशन में है या डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, तो करंट जो है ये आपका हायर पोटेंशियल से फ्लो करेगा। करंट अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इन कर रहा है, इसका मतलब है कि बैटरी चार्जिंग कंडीशन में है। तो इस आधार पर भी आप कह सकते हैं कि भाई करंट जो फ्लो करेगा इस सर्किट में इसका ये डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। क्लियर है, मान लेते हैं कि आई करंट फ्लो कर रहा है, हम लोगों को निकालना है स्टूडेंट बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज, मतलब कि VPQ means VP minus VQ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, PD शॉर्ट में लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, यही आपका बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज हो गया। बैटरी का ये आपका टर्मिनल वोल्टेज हो गया और इसी का स्टूडेंट हम लोगों को वैल्यू निकालना है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, चलिए ठीक है। ऑब्वियस है इसका वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट हमको करंट का वैल्यू हम लोगों को पता होना चाहिए, तभी तो करंट का वैल्यू पता होगा, तभी तो आई इंटू आर ये 0.5 ओम करके इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ये हम निकाल सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। क्लियर है, तो मतलब फाइनली टारगेट है कि करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है आप समझ सकते हैं स्टूडेंट नाउ। ठीक है, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट कितना हो गया, दो रेजिस्टेंस है दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया ये 0.5 प्लस 15.5 सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, दिस बिकम 16 ओम। सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा 16 ओम हो गया। इक्विवेलेंट अगर ईएमएफ की बात करें तो दिस बिकम्स 120 माइनस 8 वोल्ट, 120 माइनस 8 मींस 112 वोल्ट। क्लियर है, इसीलिए करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, सर्किट में जो करंट जो आई फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट वी इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ से। क्लियर है, यहां से आप लिख सकते हैं 112 डिवाइडेड बाई 16 दिस बिकम 7 एम्पीयर, इतना वैल्यू का करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट, इस करंट का वैल्यू स्टूडेंट आप केवीएल का यूज करके भी आप निकाल सकते हैं, और फॉर आई इस तरह से यूजिंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकेंड लॉ या किरचॉफ लूप लॉ आप जो कहिए, ठीक है। कैसे देखिए, यूज करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ को, मान लिया हम इसी तरह से इस लूप में इस सर्किट में मूव कर रहे हैं, तो यहां से शुरू करते हैं, यहां से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला ठीक है, तो प्लस 8
एक एट लिखेंगे, प्लस ले लेंगे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला, आगे बढ़े, करंट भी ऐसे फ्लो कर रहा है, हम भी ऐसे ही फ्लो कर रहे हैं, तो प्लस साइन ले लेंगे, इसके क्रॉस हो जाएगा वोल्टेज आई आर, तो आई इंटू रेजिस्टेंस इसका कितना 0.5 0.5। फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, हम भी ऐसे ही मूव कर रहे हैं, करंट भी ऐसे ही मूव कर रहा है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, दोनों का सेम डायरेक्शन है, फिर प्लस लेंगे और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा आई आर, आर कितना है 15.5। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो बैटरी का यहाँ पर इसका नेगेटिव प्लेट मिला है, सो माइनस साइन लेंगे, कितना वैल्यू है 120 इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से भी स्टूडेंट आप सॉल्व करके देख सकते हैं, यहाँ से भी जो आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ करंट 7 एम्पीयर। क्लियर स्टूडेंट, तो करंट का आप इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं ना। सो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज हम लोग निकाल लेते हैं स्टूडेंट, अब बहुत ही आसान है, निकाल सकते हैं हम लोग टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज, मतलब वीपी माइनस वीक्यू कितना हो जाएगा ये आप समझ सकते हैं। चलिए इधर से मूव करना शुरू कीजिए, बैटरी का ये पॉजिटिव प्लेट मिल रहा है, ईएमएफ ई है, आगे हम बढ़े, हम भी इधर ही मूव कर रहे हैं, करंट भी इधर ही मूव कर रहा है, प्लस आई आर, आई आर। ठीक है, इनफैक्ट बहुत से बुक में आपको ड्राइव करके फॉर योर सिंप्लिसिटी ये दिया भी रहता है कि जब बैटरी चार्जिंग कंडीशन में होता है तो उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है या टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो होता है ई प्लस आई आर, और जब डिस्चार्जिंग कंडीशन में होता है तो दिस बिकम्स ई माइनस आई आर, तो आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। क्लियर, तो ये इस तरह से इनफैक्ट आता है, आप समझ सकते हैं ई का वैल्यू हो गया 8 प्लस करंट का वैल्यू है 7 इंटू स्मॉल आर का वैल्यू है 0.5, दिस इज 8 प्लस 3.5 दिस इज 11.5 वोल्ट इज योर आंसर। इतना इसका टर्मिनल वोल्टेज हो गया स्टूडेंट 11.5 वोल्ट। आप देख सकते हैं इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है इसके ईएमएफ से ज्यादा है, इसका ईएमएफ कितना है 8 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज जो है 11.5 वोल्ट हो गया। ठीक है, और इससे हायर वैल्यू के सोर्स से हम इसको करेक्ट किए हुए। ठीक है, नाउ स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन आगे कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। यहां पर ये जो चार्जिंग सर्किट जो है, इस चार्जिंग सर्किट में ये जो रेजिस्टेंस कैपिटल आर एक सीरीज रेजिस्टर यूज कर रहे हैं, इसका क्या पर्पस है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये भाई हम नहीं भी यूज करते हैं तो भी हम हायर वोल्टेज के सोर्स से हम इसको कनेक्ट किए हैं तो भी ये चार्ज होता ही, निश्चित रूप से ये तो भी चार्ज होता है। ठीक है, करंट इस तरह से मूव करता और ये चार्ज होता है, तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस आप नहीं अगर यूज करेंगे, ठीक है, ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है यूज किया जाता है, ये रेजिस्टेंस अगर आप यूज नहीं करेंगे तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, और करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होगा, इसका जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा जिसके चलते बैटरी डैमेज हो सकता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देखिए सपोज इफ सेकेंड पार्ट का आंसर हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड पार्ट सपोज इफ आर इज नॉट प्रेजेंट, यही ना क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्यों दिया जाता है, तो मान लेते हैं कि अगर आर प्रेजेंट नहीं होता इस केस में, ध्यान दीजिए इस केस में सर्किट में जो करंट फ्लो करता ये कितना होता 120 माइनस 8। ठीक है, और रेजिस्टेंस ईएमएफ नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ तो 0.5 ही होता, 112/0.5 दिस इज 224 एम्पीयर। आप देख सकते हैं कि इस केस में कितना करंट फ्लो कर रहा है 224 एम्पीयर, बहुत ज्यादा, पहले कितना करंट फ्लो करता था 7 एम्पीयर, अब ये सीरीज रेजिस्टेंस को अगर आप यूज नहीं करते हैं तो 224 एम्पीयर बहुत ज्यादा हाई वैल्यू का करंट फ्लो करता है। अब इस हाई वैल्यू के करंट के कारण इसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है, कितना हीट प्रोड्यूस होता है आई स्क्वायर आर, इतना वैल्यू का हीट प्रोड्यूस होता, मतलब आप समझ सकते हैं इसका भी स्क्वायर, तो फाइनली बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट का हीट प्रोड्यूस हो जाता है इसमें, और ये बैटरी जिसको आप चार्ज करने जा रहे हैं ये डैमेज हो सकता था। दैट्स व्हाई यही रीजन है कि हम एक सीरीज रेजिस्टर चार्जिंग कंडीशन में यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, चलिए मूव करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3.1। जब हम एक बैटरी यूज कर रहे हैं जिसका ईएमएफ है 1.25 वोल्ट,
तब हमको जो बैलेंस पॉइंट जो मिल रहा है कितना, उसका लेंथ है 35 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में जो हमको बैलेंस पॉइंट मिल रहा है दिस इज एट 35 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन आगे कह रहा है इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 63 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेकेंड सेल। ठीक है, अगर आप इस पोटेंशियोमीटर में इस बैटरी जिसका ईएमएफ 1.25 वोल्ट था, इसके जगह पे एक दूसरा बैटरी अगर हम लोग यूज कर ले, मान ले उसका ईएमएफ अगर E2 है, तो हमको बैलेंस पॉइंट जो मिलता है L2 इस कंडीशन में वो कहां पर मिलता है, 63 सेंटीमीटर। उसका लेंथ है 63 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेकेंड सेल, ये जो सेकेंड सेल है इसका ईएमएफ क्या है स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही क्लियर है। पोटेंशियोमीटर आप पढ़े हैं तो आप समझ रहे हैं कि डायरेक्टली वी कैन राइट E1 बाई E2 इक्वल्स टू L1 बाई L2। इनफैक्ट ये कैसे होता है आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये ईएमएफ जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ E1 प्रोपोर्शनल टू L1। मतलब E1 इक्वल्स टू मान लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट KL1, और उसी तरह ये सेकेंड वाले बैटरी के लिए भी हम लिख सकते हैं E2 इक्वल्स टू KL2। और उसके जब आप डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट द दिस रिलेशन E1 बाई E2 इक्वल्स टू L1 बाई L2। क्लियर है, अब यहां से सबका वैल्यू स्टैंड दिया हुआ है, दिस इज 1.25, दिस इज E2 इक्वल्स टू L1 इज 35, दिस इज 63। क्लियर है, नाउ दिस इज इसको आप 7 से ये करेंगे तो सबसे 35 9, और E2 आपका हो जाएगा 9 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज 9 इंटू 0.25। क्लियर है, एंड सो दिस बिकम्स 2.25 वोल्ट। E2 का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2.25 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3.1, इजी क्वेश्चन था, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो मिलते हैं स्टूडेंट फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।